गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 8th of March 2023। आइए देखते हैं कि करेंसी मार्केट में ओवरनाइट में क्या हुआ है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस्टरडे पावेल टोल्ड यूएस लॉ मेकर दैट फेड विल लाइकली नीड टू रेज रेट्स मोर देन एक्सपेक्टेड इन रेस्पॉन्स टू रिसेंट स्ट्रॉन्ग डेटा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर चला गया है। फ्रॉम 430 levels, it is now at 105.70. That being the case, what next? That is the main question. हमारा यहाँ पे analysis पे our focus will not be on क्या हो गया है। हम एक touch up करेंगे, लेकिन हमारा main focus रहेगा what next में। अभी जो immediate area है, that is at 105.70, 106.00, ये एक resistance zone है। हमें देखना है द इम्पैक्ट ऑफ द पॉवेल्स स्टेटमेंट। इसके बाद क्या कॉन्टिन्यूएशन करेगा डॉलर इंडेक्स पे या यहां से रिवर्स करेगा। हम अगर मंथली में देखेंगे, प्रीवियस वीक वीकली में पहले देख लेते हैं। प्रीवियस वीक इट टुक रेजिस्टेंस ऑन द सेंट्रल बैंक एंड दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि डॉलर इंडेक्स इज मूविंग टुवर्ड्स 102। लेकिन लास्ट वीक के नेगेटिव प्राइस एक्शंस के बाद इस हफ्ते में ट्यूसडे को ही आफ्टर पावेल स्टेटमेंट ये ऊपर चला गया है एंड आपका प्रीवियस दो वीक्स के हाई के ऊपर है। दैट बीइंग द केस, अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा प्राइस एक्शंस से कि फर्दर ये ऊपर जाता है या नहीं। देखने वाला बात ये है कि मंथली आरएसआई इज एट 59.02 जो फेसिंग रेजिस्टेंस एट 60। दैट बीइंग द केस, ऊपर में इतना ज्यादा तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ऑन द हायर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा अपटिक रहेगा। अपटिक के बाद क्या कंटिन्यूएशन रहेगा या नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन वी नीड टू सी। सो हमें अभी थोड़ा सा इंतजार रहेगा कि थोड़ा सा ऊपर 106.50 लेवल से क्या ये नीचे की तरफ फॉल बैक करता है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंपैक्ट कॉज्ड बाय पॉवेल स्टेटमेंट। डॉलर रुपी 82.03। सो आपका 3rd March के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन हो रहा है। दैट बीइंग द केस, हमारा जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा 80 to 30-40 के बीच में। 80 to 30, 80 to 40 के बीच में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने का एक्सपेक्टेशंस है। तो हमें थोड़ा इंतजार रहेगा क्या होता है अपर लेवल पे कहां पे। एनीवे वी एक्सपेक्ट सेल ऑप्टिक्स इन डॉलर रुपी इन कमिंग फ्यू डेज में भी से 7 to 10 ट्रेडिंग डेज। सो हमें इंतजार रहेगा सेल ऑप्टिक्स के लिए। जीबीपी डॉलर में कल अच्छा खासा पिट गया आफ्टर द स्टेटमेंट एंड ये जो नया स्विंग लो बनाया है प्रीवियस स्विंग लो के नीचे चला गया है नाउ एट 1.1828। दैट मीन द केस, यहाँ पे और थोड़ा फॉलो थ्रो मीन्स सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी सेल ऑफ अच्छा खासा आया है, इसमें भी थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर पे ये आपका कल नहीं परसों, दैट इज 6th of March को ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था। हमारा एनालिसिस ये था कि जब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देगा एंड उसके बाद हायर लो करेगा, देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हायर। लेकिन ये एक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गया है, रेदर कल उस ट्रेंड लाइन के नजदीक से नीचे सेल ऑफ हो गया है। सो एक ही चीज हमें अभी देखना है कि आरएसआई, नाउ आरएसआई एट 40.44, क्या ये 40 लेवल्स में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, हमें देखना पड़ेगा। यूरो आईएनआर पे भी सेल ऑफ है, आरएसआई बिलो 40 एट 36.97। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन काफी ऊपर चला गया 137.31। यहाँ पे ये देखने वाला बात ये है कि डेली आरएसआई टुक सपोर्ट एट 60 एंड मूविंग हायर। दैट बीइंग द केस, इट गिव्स ए क्लियर बुलिशनेस इन डॉलर येन। एक नजर हायर टाइम फ्रेम में भी लगा लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम में भी ये आपका सेंटर बैंड को तोड़ के वीकली टाइम फ्रेम में सेंटर बैंड को तोड़ के ऊपर चला गया है, मंथली में भी मूविंग हायर है एंड आरएसआई जो है 60 के ऊपर है 62.46। इसको नीचे आना है मंथली में। अगर आरएसआई 60-62 एरिया से नीचे आरएसआई आता है एंड ऑल्सो अभी वीकली पे थोड़ा सा रूम है आरएसआई टर्म्स में, अभी 55 है रूम बोले तो टुवर्ड्स 60।
55 से 60, सो डॉलर एन पे और थोड़ा बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन द केस एन एन पे हम फर्दर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखने वाला बात है ये जो जोन है, ये जोन में कंसोलिडेशन होगा या नहीं होगा या फर्दर सेल ऑफ होगा। सो यहाँ पे फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे सेल ऑप्टिक्स में बी कंसिडर्ड इन एन एन डॉलर कैंडल में अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 137 था उसके ऊपर चला गया है। डेली आरएसआई टुक सपोर्ट एट 6 एंड मूव्ड हायर। सो डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। हायर टाइम फ्रेम में एक नजर लगा लेते हैं, वीकली 60 को तोड़ के ऊपर चला गया है, रेजिस्टेंस लिया नहीं है। मंथली इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रीच अबोव 60। दैट बीइंग द केस डॉलर कैंडी में एक ऊपर की तरफ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80 डॉलर पे वीकनेस बरकरार है, ये काफी कंसोलिडेशन के बाद ये 6-7 एरिया पे कंसोलिडेशन 0.67 लेवल पे कंसोलिडेशन करने के बाद अच्छा खासा एक सेल ऑफ हो गया है। बहुत ही मींस वीक लग रहा है 80 डॉलर वीकली में। एक ही चीज देखने वाला बात है कि आरएसआई इज अप्रोचिंग 60, क्या ये 60 के आसपास सपोर्ट 40 के आसपास सपोर्ट लेगा या नहीं, ये देखने वाला बात है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये एक फर्स्ट क्लास मंथली वर्सेस वीकली का एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप है, जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग 80 डॉलर टू मूव टुवर्ड्स 0.62 इन कमिंग डेज। सो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बरकरार रहना चाहिए एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स 0.62। CNH 6.97, ये आप यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना रहे हैं। आप देखोगे डाइवर्जेंस RSI डाइवर्जेंस एज वेल एज बॉलिंजर बैंड का वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस, दोनों डाइवर्जेंस है। सो अगर ये आने वाले दिनों में 7th मार्च के लो के नीचे क्लोज दे देता है, सो इमीडिएट टारगेट हमारा होगा ये जो नेक लाइन दैट इज एट 6.8650। उसके बाद हमें एक्सपेक्ट करेंगे एक इक्वल अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फ्रॉम बिलो। ये नेक लाइन के नीचे जैसे ही सस्टेन कर जाएगा, सो वी मे एक्सपेक्ट CNH टू मूव टूवर्ड्स 6.73। तो अभी दिल्ली काफी दूर है क्योंकि अभी एट द हाई है, सो इसको पहले 7th मार्च के लो के नीचे आना है। इन सच ए केस नेकलाइन इज द टारगेट। नेकलाइन के नीचे अगर कंटिन्यू करता है देन दिस मे बी द एम्पेटर्न टारगेट। यूके ऑयल 83.4, कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, डॉलर कैंडी ऊपर जा रहा है ये और क्रूड ऑयल नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन द केस इसका जो रेंज है 89 ऑन द हायर साइड एंड 79 ऑन द लोअर साइड, ये रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ है। इसको अगर निकलना है तो इस रेंज से बाहर होना पड़ेगा। US 10 ट्रेजरी 3.99, अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन के ऊपर। एंड देखने वाला बात ये है, कंसर्न यही है कि मेन टसल यही है कि क्या ये डेली RSI टेकिंग सपोर्ट एट 16 मूविंग हायर और फेल टू टेक सपोर्ट एंड मूव डाउन, दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अगर ये सपोर्ट लेता है तो अच्छा खासा सपोर्ट के बाद ये ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने का, नॉट ऑल टाइम हाई, द स्विंग हाई दैट जो आपका अक्टूबर महीने में स्विंग बनाया था, क्या बनाया था, 4.33। सो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये रिसेंट स्विंग हाई को टेस्ट कर सकता है। अगर फेल टू टेक सपोर्ट एट 60 एंड मूव डाउन तो धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो जाएगा। सो करेंसी वीकली डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग द फ्रेंड सर्कल। जो लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इट इंसेंटिवाइजेस मी बाय वे ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इफोर्ट। मैं यानी मैं जो इफोर्ट रेगुलर बेसिस में डेली बेसिस में, एक साल से ज़्यादा हो गया मेरे चैनल का, रेगुलर बेसिस में मैं ये इफोर्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि मेरे प्रयास में कुछ फायदा हो रहा है तो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मेरे को एक अच्छा फीडबैक मिले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। आने वाले दिनों में मैं चैनल को और भी बेटर करने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।